मगर आप उस वक्त तक यहां से नहीं जा सकती जब तक आप मेरी ऑफर को कबूल नहीं कर लेती। इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। एक बात क्या, हजार बातें मानूंगा, आपके एक हुक्म पे अपना सर कटा दूंगा। हुक्म करें। तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। तो बेटा मैं ये चाह रही थी कि तुम अपने घर वालों को रिश्ते के लिए लेकर आओ हमारे घर, ताकि दुनिया वालों का मुंह तो बंद हो सके। हाँ आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन कराची में मेरा कोई भी नहीं है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अच्छी खबर दूंगा। अब वो अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाऊं। बिल्कुल नहीं। क्या पता तुमने अपने हाथ धोए के नहीं धोए। हाँ मगर चम्मच से तुम आइसक्रीम जरूर खिला सकते हो। अच्छा सादत, ये आप क्या कर रहे हैं? आप किचन में, प्लीज आप ऐसा मत करें, हटें यहाँ से। अरे 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 मेरी तेज गाम, जरा तहम्मुल रखो, क्या हो गया? बात ये है कि आज संडे है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्यारी सी सिद्रा को अपने हाथों से नाश्ता करूँ। सादत, सिद्रा, वो सब तो ठीक है सादत, लेकिन आप इस तरह से किचन में काम कर रहे हैं मेरे लिए, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो इसमें बुराई ही क्या है, तुम भी तो मेरे लिए नाश्ता बनाती हो। अब तुम आ ही गई हो तो अब एक काम करो, इधर यहाँ बैठे सिद्रा रानी और मुझे सुपरवाइज करो। अच्छा आप किचन में काम तो कर रहे हैं लेकिन ये किचन बाद में समेटेगा कौन? अरे भाई इसकी उम्मीद ना रखना मुझसे, ये काम तुम खुद ही करना। मजाक कर रही थी मैं खुद समेट लूंगी, बस आप जल्दी से अपना काम खत्म करें। अरे आपका अंडा जल गया देखें। अरे मैं आऊं हेल्प के लिए? नहीं नहीं बर्तन साफ करोगी तुम बस। ठीक है आपकी मर्जी। हेलो हारून, आप आए क्यों नहीं घर पे? मैंने आपका कितना इंतजार किया। सॉरी यार मसरूफ था, तुम्हें तो पता ना तुम्हारे हारून के पास करने को कितने काम। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अपनी नीलों को भूल जाएं? ओहो लगता है कोई आज खास बात है। और हाँ सुनो, मैंने तुम्हें खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। वो क्या? आज मेरा दोस्त आ रहा है तुम्हारे घर पे, बकायदा हमारे रिश्ते की बात करने। हाय अल्लाह हारून, आप वाकई में सच बोल रहे हैं? मैं अभी अम्मा और आपा को बताती हूँ। अरे 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 बता देना, लेकिन पहले ये तो बताओ कि आप भी तुम मेरे साथ जाने को इनकार करोगी? हाय अल्लाह हारून, मुझे तो इतनी शर्म आ रही है, मैं आपसे क्या बात करूंगी। अरे यार ऐसा जुल्म ना करना, हम तुमसे बात करने के लिए ही तो जीते हैं मेरी जान। और मैं आपके लिए। क्या आपके लिए? अल्लाह क्या है हारून भाई, तंग नहीं करें। मैंने तो तुम्हें जिंदगी भर तंग करने का इरादा कर लिया मेरी जान। अरे तुम ये तो लो, मैं चाय पी लाता। आदत आपने इतना सब कुछ कर लिया। अरे तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ करना बाकी है अभी। क्या हो गया?
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्यों? तुम्हें पता है मैं कॉलेज में ऐसे ही बनाता था। आपको पता है ऑमलेट शक्ल से बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तुम्हारे आने की वजह से बच गए वरना सारे अंडे टूट जाते। हेलो सादत, आपसे एक बात पूछूं? पूछो, तुम्हें कब से इजाजत की जरूरत पड़ गई? आप नबीला को भी इसी तरह से खुश रखते थे क्या? मेरा मतलब है कि उसे आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसी नौबत ही कभी नहीं आई, क्योंकि उसके पास हर वक्त बिला वजह लड़ने के लिए कोई ना कोई इशू होता था। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही पूछ रही थी। कभी कभी मुझे यूं लगता है कि जैसे मैं आप दोनों के दरमियान आ गई हूँ। आप इतने अच्छे हैं सादत, नबीला को आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें उससे हमदर्दी हो रही है या मेरी खुशी अच्छी नहीं लग रही? सिद्रा, तुम जिक्र मत किया करो सौरभ का। आई एम सॉरी सादत, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाह रही थी। प्लीज काम डाउन, चलो नाश्ता तो करो। अपने हाथों से खिलाओ, ये खाने वाला है अभी। हाय मुंचा पाला, ये क्या हो रहा है? ये छोकरा तो हाथ से निकल रहा है, अब मैं क्या करूं? छोटे साई को बता दूं? नहीं, पहले मुराद साहब को बताना जरूरी। परे चल रही है क्या? तूने अगर छोटे साई को या फिर मुराद साहब को बता दिया हसन के साथ साथ तुझे भी ठिकाने लगा। घर का कोई नाराज़ ये सब देखे, इससे पहले तुझे कुछ करना होगा। मासी, मासी आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम छोड़, जहर दे दे मुझे खाने को। ऐसा क्या हो गया मासी कि तुझे जहर खाने का ख्याल आ गया? जो तू कर रहा है ना, वो देखने से बेहतर है कि मैं जहर खा लूं। अच्छा मासी, अब बता भी दे क्या हुआ है? तू यहां मुझे बातों में उलझा रही है, उधर मानूर मेरा इंतजार कर रही है। हाय हाय छोरा, गजब खुदा का, छोटे साईं की इज्जत का नाम लेता है? नाम तो मैं तेरे सामने ले रहा हूं, छोटे साई के सामने थोड़ी ले रहा हूं। और तू ये उल्टी सीधी बातें सोच के अपना दिल मेला मत कर। मैं तो सिर्फ बीबी जी के गम दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। तूने देखा नहीं, हर वक्त रोती रहती थी वो, अब फिर भी हंसने लगी है, मुस्कुराने लगी है। मगर छोरा, अगर मगर नहीं मासी, तू छोड़ इस अगर मगर को, बस दुआ किया कर कि अल्लाह साईं छोटी बीबी को हमेशा खुश रखे। आइसक्रीम खा, बहुत मजे की है। इस पर तो किसी बात का असर ही नहीं होता, क्या करूं मैं? ये नीलो भाभी है ना? हाँ हाँ, यही नीलो भाभी है। नायला बेटा, जाओ जाके जरा तैयबा को बुला के लाओ। हाँ तो बेटा, तुम क्या कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था कि हारून का हमारे सिवा कोई नहीं है, इसलिए उसने मुझे आपसे बात करने के लिए भेजा। वो चाहता है कि नीलो से उसकी शादी हो जाए, और वो ये चाहता है कि मंगनी के बजाय आप डायरेक्ट उसकी शादी कर दो। शादी? बेटा तो मंगी का सोचकर बैठे हुए थे, तुम एकदम से शादी का कह रहे हो, तो ये तो नहीं हो सकता। क्योंकि अभी तो अदील भी घर पर नहीं है, और उसके बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो फिलहाल हम मंगनी ही करेंगे। आंटी, अदील भी आ जाएगा, आप बिस्मिल्ला तो करें। वैसे भी अल्लाह ने आपको मौका दिया है अपने फर्ज से नवाजने का, तो आप इसका पूरा फायदा उठाएं। हाँ, लेकिन हम लड़की वाले हैं और हमें इतना तो टाइम चाहिए कि लड़की का जहेज जमा कर ले। क्यों अम्मा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ अम्मा, जब तक लड़की का भाई नहीं होगा तो शादी कैसे होगी? तो फिर आंटी, मैं हारून को क्या जवाब दूँ? बेटा बात यह है कि रिश्ते के लिए तो हम राजी हैं, लेकिन जहाँ तक बात है शादी की, तो उसके लिए थोड़ा सा सोचने का वक्त दो। मैं एक दो दिन में सोच कर बताती हूँ तुम्हें।
ठीक है आंटी, मैं और क्या कह सकता हूँ आपको। वैसे मैं आपको एक बात कहता हूँ कि हमारे 100 दोस्त होते हैं तो 100 दुश्मन भी होते हैं, ताकि आपकी मान। अरे बेटा ये तो लो। अरे सिद्रा, मैंने सिर्फ चाय का कहा था और तुमने इतना कुछ बना डाला, लगता है मुझे खिला खिला कर मोटा करने का इरादा है तुम्हारा। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और सेहतमंद रहें। और इन दोनों कामों के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लायका तो है तुम्हारे हाथ। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ ना, या कोई भी चीज बनाती हूँ, तो उसके अंदर अपनी मोहब्बत भी शामिल करती हूँ, इसलिए खाना इतना जायकेदार हो जाता है। लेकिन लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा ही हो गया। अब क्या ज्यादा है? मोहब्बत की मिकदार। आप पीना समझेंगे नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि घर का सामान कब लाएंगे? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कल चला जाऊँ मार्केट। ये काम क्यों नहीं करती हो? तुम खुद चल जाओ मार्केट और जो तुम्हें चाहिए जाके ले लो। ना बाबा ना, मैं अकेले मार्केट नहीं जा सकती, ना मुझे आदत है और ना मैं जाऊंगी। अच्छा एक काम करते हैं, तुम कल तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ, दोनों चलते हैं मार्केट। ठीक है, बाय नाउ। खाना लगा दो, मुझे भूख नहीं है। बीबी अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? वो हसन है ना, वो जरा जज्बाती और नादान है, जवान खून है ना, वो किसी की बात नहीं सुनता, अगर आप समझाएंगी तो जरूर मान जाएगा। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, तुम उसे समझाओ, समझ जाएगा। ना बीबी, मेरी तो एक नहीं सुनता। तुम उसे समझाना क्या चाहती हो? वो बीबी, आप हसन को मना कर दें, वो आपके आगे पीछे घूमता रहता है। देखे ना, अगर ये बात छोटे साई को या मुराद साहब को पता चलेगी वो उसको मार डालेंगे। आप उसको समझाएं, वो वापस चला जाए। बीबी, वो यहां रह के खुद को तो मुसीबत में डालेगा, साईं आपको और मुझको भी नहीं छोड़ेंगे। उसने ऐसा क्या कर दिया जो वो खुद को मुसीबत में डालेगा? तुम ये बताओ उसके पास करने के लिए है क्या? मैं फारिग होती हूँ, मेरे पास आके बैठ जाता है, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम भी हमारे पास आके बैठ जाया करो। ना बीबी ना, मालकों का नौकरों के साथ मेल जोल ठीक नहीं है। ये हारून तो बड़ा फास्ट निकला, ना मंगनी ना रिश्ता लेके आया, डायरेक्ट ही शादी। हाँ तो अम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इससे हम कितने बड़े खर्चे से बच गए। अरे मैं तो यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ, आखिर शादी का खर्चा आएगा कहाँ से इतनी बड़ी रकम। ए अम्मा क्या हो गया, तैयबा वाला प्लॉट है ना, उसे बेच के पैसे ले लेना। हाँ वो बेच दूँ, हाथ कटवा लूँ अपने में। अरे अगर उसको बेच दूंगी तो इस घर का खर्चा क्या तेरा बाबा चलाएगा बाद में? क्या हो गया अम्मा, मेरे बेचारे बाप को क्यों बीच में ला रही हो? शरीफ आदमी था वो। हाँ एक वो शरीफ था जो चला गया, और एक तुम जैसी शरीफ औलादों को मेरी जान पर छोड़ कर चला गया। भाई अम्मा अब तुम दोनों लड़ती रहोगी या मेरी शादी का भी फैसला कोई करेगा? ये लो, अरे ये तो रुखसती के लिए तैयार बैठी है। अम्मा देखो ना, दूल्हा भी तैयार और दुल्हन भी तैयार, फिर देर किस बात की है? ए बीबी नोटों की देर है, नोटों की। अम्मा एक मशवरा दूं? देखो अम्मा गुस्से नहीं होना, अगर तरकीब पसंद आए ना तो उस पे अमल कर लेना, वरना मुझे बुरा मत कहना। देख नप्पू मुझसे ना सीधी तरह से बात किया कर,
ये ना अपनी बातों का वजन मत बढ़ाकर जल्दी बता क्या बात है। अम्मा अगर सोचो ना, जहेज पूरा का पूरा घर भी पड़ा है। अम्मा ये आपा की आंखें ना बिल्कुल खराब हो गई हैं। इनको कौन सा घर में जहेज नजर आ रहा है? अम्मा मैंने कितने मर्तबा कहा इस कूड़ मगज के सामने मुझसे बात मत किया करो। नब्बो अरे सही तो कह रही है वो, अरे मुजंदी को भी वो जहेज नजर नहीं आ रहा जो तुझे नजर आ रहा है। वो तैयबा वाला सारा का सारा वैसे ही तो पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा। सादत आ? हाँ हाँ मैं। कहाँ हैं आप? कहाँ होना है, अभी ऑफिस से निकला हूँ बस घर के लिए। नहीं वो आपने मुझे फोन बेवक्त किया तो मुझे लगा कि आप कहीं और हैं। और कहाँ? सादत ऐसे कह दिया मैंने। नहीं नहीं वो तो ठीक है लेकिन ये बेवक्त फोन का क्या मतलब है? अब इंसान को अपनी बीवी को फोन करने के लिए किसी वक्त का इंतजार करना पड़ेगा क्या? नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मुझे कभी भी ऑफिस से कॉल नहीं किया इसलिए मैंने ऐसे कह दिया। आप तो बाल की खाल निकालना शुरू हो गए। अच्छा अच्छा नहीं निकालता बाल की खाल, मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अब क्या मगर जाना कहाँ है? बस वो एक दोस्त ने लंच पे इनवाइट किया है बस वहीं जाना है। वो अचानक? हाँ बस अचानक ही समझ लो, बस तुम तैयार हो जाओ मैं स्टाफ पे खड़ा हूँ बस अभी पहुंच रहा हूँ। अच्छा बाबा ठीक है। अरे बीबी जी आप यहाँ बैठी हैं? लगता है तुम्हारी मासी ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा नहीं है। आते हुए देख भी लेती तो क्या कहती? मना कर देती और क्या कहती, जैसे मेहमान जाता। हाँ अच्छा छोड़े ना इन बातों, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया। ये क्या है? देखिए तो सही, ये ड्रेस देखते ही मुझे सबसे पहले आपका ख्याल है। हसन ये तो बहुत खूबसूरत है। यार आपसे ज्यादा थोड़ी, मगर हसन मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है। इस तरह क्या कि आप मेरा दिल तोड़ेंगी क्या? अरे बिल्कुल नहीं। अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट, अब और क्या है इस तुम्हारे पटारे में? चूड़ी, कोई ज्वेलरी सेट नहीं मिला तुम्हें? ओह धत तेरे की, वो तो मैं भूल ही गया। नेक्स्ट टाइम बाजार जाऊंगा ना तो आपके लिए ज्वेलरी भी लेकर आऊंगा, वो भी मैचिंग की। ठीक है? या अल्लाह हसन तुम इतने मासूम हो या सिर्फ मेरे सामने एक्टिंग करते हो? आपको क्या लगता है? कुछ नहीं। क्या आप ये कपड़े और चूड़ियां पहनकर मतलब है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं खवातीन की शॉपिंग कर सकता हूँ कि नहीं? हसन तुम भी ना बहुत जिद्दी हो। और कुछ नहीं। अच्छा मैं 15 मिनट के बाद आता हूँ, आप अच्छे से तैयार हो जाइए, उतनी देर में मैं मासी को तंग करता हूँ। ठीक है पहन लीजिएगा। कौन सा ड्रेस पहनूं? सादत को येलो रंग पसंद, ये पहन ले। जल्दी से इस्त्री कर लूं इससे पहले कि सादत आ जाए, फिर कहेंगे कि अभी तक ये तैयार नहीं हुए।
ओहो। इतनी दफा सादत से कहा कि इसका प्लग लगा दे, सादत भी ना। भाग बनी सच सच बता, मेरे पीछे कौन आया था? ना सही, मैं सच बोल रही हूँ, कोई नहीं आया। अच्छा, तो फिर महानूर कहीं गई थी? अरे कहाँ चली गई सिद्रा? सिद्रा, 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 आंखें खोल सिद्रा, 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 क्या हो गया सिद्रा?